नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आठवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और अभी आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के पांचवें अध्याय, जिसका नाम है शिल्प और उद्योग। तो शिल्प और उद्योग के माध्यम से स्टूडेंट्स हम पिछले 250-250 वर्षों का जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और इन 250-250 वर्षों में जो परिवर्तन आए, विशेष करके उद्योग के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, उसको हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने देखिए, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की एक तस्वीर है जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं। देखिए, ये हमारे सामने है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर, यानी हमारे झारखंड राज्य में है। तो चलिए, आज हम लोग थोड़ा झारखंड को ही फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए, एक व्यापक उद्योग। वर्ष 1904 की बात है, अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दुराब जी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। अमेरिका के एक जियोलॉजिस्ट थे, है ना, जिनका नाम था चार्ल्स वेल्ड, और दूसरे थे जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे जिनका नाम दुराब जी टाटा, ठीक है। वो कहाँ घूम रहे थे? आज का छत्तीसगढ़, जो उस समय का सेंट्रल प्रोविंस था, या बाद में जो मध्य प्रदेश भी कहलाया, है ना। तो वहाँ पे वो लौह अयस्क, यानी कि आयरन ओर जो है, आयरन ओर समझते हैं जिससे कि स्टील या इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। तो लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे वे। भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, उस समय ना आवागमन का सही साधन था, और यदि देखा जाए तो बहुत अंदरूनी इलाकों में तो पैदल ही जाना होता था। तो ऐसे दूर दराज के स्थानों में जा कर के लौह अयस्क ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है। तो आगे देखिए, जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि कोई हम लौह अयस्क का कारखाना यदि हम कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में यदि हम बैठा दें, तो हम लौह अयस्क कहाँ से लाएँ? तो यदि हमें स्टील फैक्ट्री खोलनी है तो हम छत्तीसगढ़ में खोल सकते हैं, झारखंड में खोल सकते हैं, गोवा में खोल सकते हैं, कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र में खोल सकते हैं, सभी जगह तो नहीं ना। क्या उत्तर प्रदेश में हम लोग खोल सकते हैं? यदि खोलेंगे तो क्या वो, मतलब वहाँ उत्पादन के लिए हम जो है आयरन ओर कहाँ से लाएंगे? तो यही बात उनके मन में भी थी। किनके मन में? ये जमशेद जी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे जिनका नाम था दुराब जी टाटा, और उनके साथ में एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक, जो कि जिसको ये पता होता है कि जमीन के नीचे कहाँ क्या है ना, उसको भूवैज्ञानिक बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दुराब जी एक छोटे से गाँव में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। अगरिया एक आदिवासी समुदाय है, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, ये देखिए झारखंड की बात नहीं हो रही है, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि वे लौह अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी, मैंने ऐसे उंगली से इशारा कर दिए कि वो देखिए वहाँ उधर से लाए हैं, ठीक है। वो लोग शायद भाषा भी नहीं समझे होंगे, तो उठा दिए। तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दुराब जी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। इट मीन्स कि आयरन ओर
मिल गया। ठीक है, रझारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, मतलब जगह का नाम रझारा। ठीक है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, आज के छत्तीसगढ़ में। फिर आगे क्या हुआ? लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। इस कारण कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री नहीं खोलना संभव था, क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, है ना? अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत तलाश करने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो है बहुत सारे स्टील प्लांट खोले गए, जैसे हमारे झारखंड राज्य में बोकारो का स्टील प्लांट, आपको पता है, पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट दुर्गापुर स्टील प्लांट, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में उस समय का जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट खोला गया, और उड़ीसा के राउरकेला में जो है राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो खोला गया। ठीक है, तो अगरिया समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों ने एक और जगह का स्रोत बताया जहाँ से कि लौह अयस्क मिल सकता था। तो उसी आज के जो भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो अगरिया समुदाय के द्वारा बताए गए जो लौह अयस्क की जो खान है, जो डिपॉजिट है, वहीं से आज वहाँ सप्लाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर झारखंड में क्या हुआ भाई? कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स इसी शहर को हम लोग टाटा नगर कहते हैं, और ये टाटा नगर जो है वो हावड़ा बॉम्बे मेन लाइन में स्थित है। भले ही रांची झारखंड राज्य की राजधानी है स्टूडेंट्स, लेकिन जितनी ट्रेनें जमशेदपुर से होकर गुजरती है, यानी टाटा नगर से होकर गुजरती है, उतनी ट्रेनें जो है वो रांची से नहीं, क्योंकि रांची से तो कोई ट्रेन खुलेगी तब ना, है ना? वहाँ से कोई ट्रेन, मतलब वो मेन लाइन में नहीं है, हाँ वहाँ से कोई ट्रेन, मतलब वो फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है रांची, लेकिन जमशेदपुर फाइनल डेस्टिनेशन ना भी हो तो कोई भी जो ट्रेन है वो हावड़ा से बॉम्बे यानी कलकत्ता से बॉम्बे जाने के रूट में ये शहर है। तो हमारे सभी झारखंड के बच्चों को ये बात पता होना चाहिए। आगे देखिए, इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध थी। स्टूडेंट देखिए, इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट, देखिए एक बात मैं बता दूँ, आप यदि पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम जिले के निवासी हैं तब तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आपको लगेगा कि शायद टाटा स्टील की जो फैक्ट्री है उसको लौह अयस्क टाटा में ही मिल जाता है। जी नहीं, टाटा स्टील को आयरन ओर जमशेदपुर से 135 किलोमीटर दूर एक पश्चिमी सिंहभूम में स्थान है, जिस जहां पे मैं अभी खड़ा हूं और जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस स्थान का नाम है नोआमुंडी। ठीक है, और इस नोआमुंडी को हम लोग एशिया की सबसे बड़ी खान कहते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो गूगल मैप में इसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावे कुछ और खाने हैं, कुछ और माइंस हैं जहां से कि टाटा स्टील को आयरन ओर मिलता है, जैसे कि हमारे नोआमुंडी के जस्ट बगल में केओंझर जिले का एक स्थान है जिसको हम लोग जोड़ा स्टील माइंस कहते हैं, वहाँ से आयरन माइंस कहते हैं, वहाँ से मिलता है जोड़ा आयरन माइंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई, जिसमें 1912 ईस्वी से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आम तौर पर स्टील ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। 19वीं सदी यानी कि 1801 से लेकर के 1900 तक का जो समय है, उस समय तो भारत को स्टील आयात करना पड़ता था। यहाँ जो रेल लाइनें बीच रही थी उस सब के लिए भारत को जो है रेल की पटरियाँ जो है वो इंग्लैंड से मंगानी पड़ती थी, भारत में रेल की पटरियाँ नहीं बनती थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स,
भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। बहुत सारे अंग्रेज सोचते थे कि भारत में शायद श्रेष्ठ इस्पात नहीं बन पाएगा, माने उच्च क्वालिटी का जो है स्टील नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको पूरा करने वाले थे जमशेद जी टाटा, है ना। जब टिस्को की स्थापना हुई तब हालात बदलने लगे। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। स्टूडेंट्स, जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, 9-10 में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध हुआ 1914 से, है ना, और बाद में दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। तो इन विश्व युद्धों में जो स्टील की मांग इतना ज़्यादा बढ़ गई ना कि उस समय इंग्लैंड से भारत में स्टील आना तो लगभग बंद ही हो गया। तो उस समय जो टाटा की जो ये फैक्ट्री है ना, उसने ही भारत में स्टील की कमी को पूरा किया, और भारत में जो रेल की पटरियां बिछी वो इसी टाटा स्टील की फैक्ट्री से बनी हुई स्टील के माध्यम से बिछी, ठीक है। और आज भी स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ कि टाटा स्टील की जो ये फैक्ट्री है वो विश्व की आधुनिकतम फैक्ट्रियों में गिनी जाती है। यह ऐसी फैक्ट्री है जो विश्व की किसी भी अच्छे से अच्छे फैक्ट्री के साथ इसका मुकाबला हो सकता है और इसको श्रेष्ठ साबित किया जा सकता है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। गोलों के खोल यानी कि जो तोप में जो गोला लगता है उसका खोल और रेलगाड़ी का पहिया, ठीक है। 1919 ईस्वी तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात का औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी, यानी हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी यानी अंग्रेजी सरकार, वही टिस्को में बने हुए जो इस्पात है उसको खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। देखिए स्टूडेंट, इन बातों को समझना होगा, है ना, और चूंकि ये चीज़ें हमारे झारखंड राज्य से जुड़ी हुई है इसलिए इसको आपको ध्यान से समझिए, और कभी आपको जमशेदपुर जाने का मौका मिले तो आप जमशेदपुर की उस फैक्ट्री को आप देखिए। अभी भी आप इसको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको आप देखिए जिसके माध्यम से आप इस कारखाने को देख सकते हैं, है ना। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश माल आयात किए जाने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। स्टूडेंट्स देखिए, ये कई बातें मैंने स्पीड में पढ़ दिया तो आप नहीं समझे होंगे, लेकिन इसको मोटे तौर पे जो यहाँ पे जो मूल बातें आ रही उसको मैं बता देता हूँ कि जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इंग्लैंड जो है उस युद्ध में शामिल हो गया था। तो इंग्लैंड जब उस युद्ध में शामिल हो गया तो इंग्लैंड में जो लोहा इस्पात बनता था वो उस लोहा इस्पात का उपयोग तो इंग्लैंड में ही होने लगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो तब तक जमशेद जी टाटा ने यहाँ भारत में फैक्ट्री खोल दिया था तो उसके माध्यम से जो इस्पात बनने लगा था उसका उपयोग भारत में भी ब्रिटिश सरकार ही करने लगी। तो जब ब्रिटिश सरकार करने लगी तो जो जमशेद जी टाटा के द्वारा जो खोला हुआ जो स्टील प्लांट था उसने सरकार से कुछ संरक्षण मांगा, कुछ अधिकार मांगे कि कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दिया जाए जो स्टील फैक्ट्री को या दूसरी फैक्ट्रियों को जो भारत में पनप रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने इसमें सहयोग भी किया जिसके चलते जो है ये फैक्ट्रियाँ पनप सकी और बेहतर तरीके से पनपी। तो परिणाम ये हुआ स्टूडेंट्स कि आज जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है एक विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ के उत्पादन से सारा देश और कहना होगा कि सारा विश्व लाभान्वित होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स।
इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आपसे चलिए फिर उसी तरह से दो सवाल मैं करता हूँ, है ना। तो पहला सवाल स्टूडेंट्स ये कि अगरिया समुदाय के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अगरिया समुदाय के द्वारा किस धातु के अयस्क के बारे में टाटा कंपनी के मालिक को जानकारी दी गई थी, है ना। तो इसका उत्तर आपको पता है स्टूडेंट्स, है ना। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत में, दूसरा सवाल है कि स्वतंत्र भारत में किन किन स्थानों पर नए स्टील प्लांट खुले। इसमें हम ऑप्शन तो नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और भिलाई छत्तीसगढ़। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप बने रहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।